स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट की बाइक और स्कूटर चुराने वाले बदमाशों की गैंग पकड़ाई है। ये वाहन चोर पकड़ने जाने पर जमानत के लिए पैसा उधार लेते थे, उसे चुकाने के लिए फिर से वाहन चोरी करते थे। इनके पास एक दर्जन से ज्यादा वाहन बरामद किए हैं। इनके पास से 70 से अधिक गाड़ियां मिलने की उम्मीद है। थाना प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि इलाके में एक्टिवा गाड़ी की चोरी की वारदात में इजाफा होने के बाद पुलिस ने पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पंकज पिता महेंद्र खेड़े निवासी महेश्वर एवं जफर पिता हैदर निवासी महेश्वर को पकड़कर पूछताछ की गई। पंकज और जफर ने बताया, ये वाहन गोलू उर्फ विकास पिता रामकरण पनवार से खरीदा है। पुलिस ने गोलू को पकड़ा और उसकी निशानदेही पर त्रिलोक पिता धूल सिंह परिहार को गिरफ्तार किया। गिरोह में गोलू और त्रिलोक दोनों वाहनों की चोरी करते थे, फिर उसे सुनसान इलाके पे छुपा देते थे। ग्राहक मिलने के बाद दोनों चोर गाड़ियों के कागजात दिखाकर 10 से 15 हजार में गाड़ी का सौदा करते थे। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जेल में जाने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। जब कोर्ट में पेशी के लिए जाते तो कई उधार के जमानतदार उन्हें मिल जाते थे। जेल से छूटते ही उन्हें पैसा चुकाना पड़ता था, इसलिए तत्काल वाहन चुराने लगते थे। आरोपियों ने अब तक 60 गाड़ियों पर हाथ साफ करना कबूला है। फिलहाल उनके पास से 12 दो पहिया वाहन बरामद हुए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि दोनों चोर स्टूडेंट की गाड़ियों को निशाना बनाते थे। उनके वाहन में गाड़ी के कागज मिल जाते हैं, इसलिए चेकिंग में पकड़े जाने पर वे कागजात दिखाकर बच जाते थे। वाहनों की चोरी के लिए वे पहले रेकी भी करते थे। इन वाहनों को शहर के बाहरी इलाकों में बेच देते थे। गाड़ियां जो चोरी करने का था, एक तो ये नशेली है, नशा करने के आदि है। उसके बाद में ये पहले भी 30-35 गाड़ियां चोरी में जेल गए थे। जेल में बंद रहे। जेल में ये उधार पैसे लेकर जमानत पर बाहर आए और वो उधारी चुकाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती, नशे के लिए आवश्यकता पड़ती, तो इनने टारगेटेड चोरियां स्टार्ट की। पर ये इस प्रकार की कोशिश करते थे कि जैसे कि जब गाड़ियाँ ही हुए तो कागज़ भी मिल जाते थे उसके अंदर इनको, तो ये कोशिश करते थे। रेकी इसीलिए करते थे कि स्टूडेंट्स रख के गया कोई या कोई काम करने वाला रख के गया तो उसकी फ़ोटोकॉपी या कागज उसमें रहते थे, तो बड़ी आसानी से इनको काम हो जाता था। गाड़ी बेच भी देते थे और अगर कोई पुलिस